अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो आज कल कर लेते हैं जी शुरू। तो आज जी दोस्तों, दो दिन की बारिश के बाद बहुत ही अच्छी धूप निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह से, और वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो कल मैं अपने कोको और चीची की तरफ देख रहा था, तो मेरे जहन में आया कि इनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, और पिंडा जा कर तक मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सोची थी। तो फिर कल इतवार का दिन था और थोड़ा सी बारिश जो थी वो कम होगी और हल्की हल्की धूप वाली थी, तो मैंने अपने बड़े भाई को कहा कि मेरे साथ आप बाजार चलो और इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आते हैं, झूले लेकर आते हैं, ताकि इनके पास कुछ एक्टिविटी हो और ये थोड़े प्यारे लगे और प्यारे लगे। तो फिर मैं गया इतवार बाजार, तो उधर जाके मुझे कुछ भी मेरे मतलब के खिलौने नहीं मिल रहे थे, सारे जो नॉर्मल होते हैं प्लास्टिक के, जो एक से दो दिन के अंदर टूट जाने थे। तो फिर मैंने सोचा कि वो सारे खिलौने मैं घर में बनाऊंगा, आप लोग साथ भी शेयर करूँगा कैसे बनाते हैं, बना के फ्रेम के अंदर लगाएंगे तो वो और प्यारे लगेंगे, उन्हें हम कलरफुल बनाएंगे। तो फिर मुझे वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एक बॉक्स मिला, ब्रीडिंग बॉक्स मिला। तो मैंने सोचा कि अभी आ भी गए हैं और कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसे ले लेना चाहिए। तो फिर मुझे ब्रीडिंग बॉक्स मिला और मैंने उसे परचेस कर लिया। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा हमारे कोको और चिकी का ब्रीडिंग बॉक्स। ये माशाल्लाह से बहुत ही एक अच्छा बॉक्स है और बड़े साइज़ का, इसमें इंशाल्लाह हमारे कोको की या चिकी की दम जो है वो ख़राब नहीं होगी और वो इसके अंदर खुशी से रहेंगे। तो अभी मैं इसे तैयार कर ही रहा था, सोचा भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि अब अपने कोको और चिकी का ब्रीडिंग बॉक्स ले आए हैं। तो ये जो है अभी हम लेकर आए हैं और अभी से मैंने तैयार करना है। इसके साथ हमें ये स्टिक भी मिल गई जो इसके अंदर लगी गई और पिंजरे के अंदर से अभी इसे फिट करना है। फिट करके इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाऊंगा कि इसे हमने फिट कर दिया और ये हमारे पिंजरे के साथ कैसा लग रहा है। हमारा पिंजरा भी वाइट है, कोको भी जो है वाइट है, हमारा ब्रीडिंग बॉक्स भी वाइट है। तो और हमारा फिर बहुत ही अच्छा प्यारा लगेगा ब्रीडिंग बॉक्स, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इनके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे अच्छे खिलौने बनाऊँगा। तो सोचेगा तो बहुत कुछ है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या क्या होता है वो आप लोग भी देखेंगे और हम बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो अभी तो जी मेरे दिमाग में बहुत सारे टॉयज़ के आइडियाज़ हैं कि इस तरीके के मैंने टॉयज़ बनाने। तो लेकिन अगर आप लोग के जहन में कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कि हमारे कोको और चिकी अच्छे अच्छे वाज़ें और एक्टिविटीज़ करें, तो आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर सजेस्ट करना है कि इस तरीके के टॉयज़ बनाएं, और उन जब मैं बनाऊंगा तो आपने उनके मुझे कलर्स के बारे में भी ज़रूर सजेस्ट करना है कि उन्हें उन टॉयज़ के कौन कौन से कलर रखे जाए। और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में बहुत सारी कॉकटेल जो है हमारे कोको और चिकी के बारे में वीडियोज़ आने वाली हैं कि हम कॉकटेल के पिंजरे में जो है कुछ अच्छे अच्छे खिलौने रखेंगे, ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अगर आप हमारे कोको और चिकी के बारे में अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे और तोतों के बारे में भी देखना चाहते हैं। तो बस ये आज वीडियो को देखिए, ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे गाँव में याद रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। और इस बॉक्स के बारे में आपने ज़रूर बताना है कि कैसा है।